आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत के आदि पर्व के 15वें अध्याय की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा, हे महाबाहो, ये ब्रह्मशिर नामक अस्त्र मैं तुम्हें प्रयोग और उपसंहार के साथ बता रहा हूँ। मनुष्यों पर तुम्हें इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। यदि किसी अल्प तेज वाले पुरुष पर इसे चलाया गया तो ये उसके साथ ही समस्त संसार को भस्म कर सकता है। एतात ये अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण बताया गया है। तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इस अस्त्र को धारण करो और मेरी ये बात सुनो। हे वीर श्रेष्ठ, यदि कोई अमानव शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे तो तुम उसका वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। तब अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हाथ जोड़कर उस उत्तम अस्त्र को ग्रहण किया। उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से पुनः ये बात कही, संसार में दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर नहीं होगा। लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन आचार्य द्रोणाचार्य जी ने सत्यम वद क्रोधम मा कुर, सत्य बोलो क्रोध मत करो, ऐसा उपदेश किया। अगले दिन युधिष्ठिर को छोड़कर सभी कौरों पांडवों ने पाठ सुना दिया। युधिष्ठिर कई दिन तक कहते रहे कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ। तब गुरुजी ने उनकी पिटाई कर दी, मार खाकर वह बोले, अब मुझे पाठ याद हो गया इत्यादि। ये सारी कहानी महाभारत में कहीं भी नहीं है। इस वर्णन जैसा यहाँ दिया गया है ये स्पष्ट है कि शूद्र कुल उत्पन्न बालक भी द्रोणाचार्य जी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पास आए और आचार्य जी ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। तब एकलव्य को निषाद कुल उत्पन्न जानकर उसे शिक्षा ना देने की बात असत्य हो गई। यदि ये कहा जाए कि करण सूत पुत्र नहीं था, हम भी इससे सहमत हैं। वो सूत द्वारा केवल पालित हुआ था तो हम कहेंगे एकलव्य भी निषाद नहीं था, वो निषादों द्वारा पालित था। ऐसा ब्रह्म पुराण 14:28 में आया है। पुराणों के अवलोकन से सिद्ध होता है कि जिस जद वंश में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था उसी वंश में एकलव्य भी जन्मा था। वृष्णी वंशीय सूर्य के 10 पुत्र और 5 कन्याएं थीं। वसुदेव नामक उनके पुत्र से जैसे वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण जी पैदा हुए, वैसे ही देव सर्वश्रेष्ठ शत्रुघ्न अर्थात एकलव्य उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वो श्री कृष्ण जी का ककेरा भाई था, अर्जुन की माता सूर्य की कन्या थी और देव सर्वा उसका भाई था। अतः एकलव्य अर्जुन की बुआ का पुत्र था। द्रष्टव्य ब्रह्म पुराण 14:14-28 हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास और निश्चित मत है कि एकलव्य का सारा आख्यान ब्राह्मणों को बदनाम करने, उनकी अमानुषिक क्रूरता दिखाने के लिए महाभारत में प्रक्षिप्त किया गया है अर्थात मिलाया गया है। ये भी संभव है कि मूर्ति पूजकों ने इस कथानक का प्रक्षेपण किया हो। कोई गुरु अपने शिष्य को ना तो कोई हानि पहुंचा सकता है और ना ही उसका अंगूठा कटवा सकता है। महाभारत में कहीं भी एकलव्य के अंगूठा काटे जाने का वर्णन नहीं है। सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण।